गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ एक लिपस्टिक शेयर करूंगी जो कि माई ग्लैम का है। ये जो लिपस्टिक है ये माई ग्लैम LIT लिक्विड मैट लिपस्टिक है। इसका जो पैकेजिंग है कुछ इस तरीके से आता है और इसका लिपस्टिक का जो आउटर पैकेजिंग है और इनर पैकेजिंग है ये बिल्कुल इस तरीके से आता है और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है यहाँ पर मेंशन किया गया है। गाइस, ये वाला लिपस्टिक मुझे फ्री में मिला, फ्री में नहीं, मुझे 99 रुपये पे करना पड़ा। ये 3 ml का प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ आता है और इसका जो एक्चुअल प्राइस है 395 है। इसका जो सेल्फ लाइफ है ये 2025 तक है। मेरा जो शेड है ML63 किटन फिश, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और गाइस, ये क्लेम करता है ये लॉन्ग लास्टिंग स्मज प्रूफ ट्रांसफर प्रूफ विथ इंस्टेंट कलर पी ऑफ एंड सुपर मैट फिनिश, कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसका जो कलर है बहुत ही ज्यादा एक अच्छा सा मेरून कलर है, ये जैसा दिख रहा है बिल्कुल ये ऐसा ही कलर है। ये बहुत ही ज्यादा डार्क मैरून कलर है जैसा ये दिख रहा है। ये जो लिपस्टिक है मुझे 99 का पड़ा, पर इसका जो प्राइस 395 का है। अगर आप माई ग्लैम के वेबसाइट में जाके पहली बार अपना नंबर डालेंगे तो आपको एक फ्री लिपस्टिक मिलता है, जो कि मुझे ये मिला। सिर्फ आपको शिपिंग चार्जेस देना पड़ता है 99, शायद ये सभी को पता है, पर मुझे इस लिपस्टिक के बारे में बताना था। इसका कलर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल भी क्रीमी नहीं है। ये लिपस्टिक ना आपके लिप्स पर 5 to 6 hours रह जाएगा, लेकिन आप अगर कुछ खाएंगे तो ये बहुत ही घटिया तरीके से निकलता है। ये देख सकते हैं बिल्कुल अजीब तरीके से निकलता है, ये कोई भी स्टेन नहीं छोड़ते आपके लिप्स पर, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिप बाम अप्लाई करना है, देन आप अगर ये लिपस्टिक को अप्लाई करेंगे तो तब जाके आपके लिप्स पर ये थोड़ा सा स्टे भी करता है और थोड़ा सा कंफर्टेबल भी आपको फील होता है। लिप्स पर आप शेप देने से पहले ये लिपस्टिक सूख जाता है, ताकि आप कोई शेप ही नहीं दे पाते, बहुत ही जल्दी जल्दी अप्लाई करना पड़ता है, बहुत ही जल्दी सूख जाता है और बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, जिस वजह से मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ये थोड़ा सा अगर क्रीमी होता और कंफर्टेबल होता तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। आप देख सकते हैं सूख चुका है और ये बिल्कुल ट्रांसफर भी नहीं होता है, स्मज भी नहीं होता है। ये जो क्लेम करता है ये बिल्कुल सही क्लेम करता है, लेकिन इसका जो ड्राइनेस है ये मुझे थोड़ा बुरा लगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।